हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है मात्र 12-15 मिनट का। उसके अंदर हम लोग कई सारे सवाल है जो कि आज के न्यूज़पेपर में से करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे रेगुलर देखते होंगे। इस 12-15 मिनट के अंदर हम लोग 12-13 क्वेश्चन करते हैं, 10-11 के समवेयर क्वेश्चन है जो कि हम लोग करते हैं और देखते हैं कि पेपर में कैसे सवाल है जो कि आज के न्यूज़पेपर से बन सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज आपको मालूम है 30 तारीख है, 30 अप्रैल है और कल का क्वेश्चन ऑफ द डे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने मुंबई में डैश में जॉइंट लॉजिस्टिक नोड का संचालन किया है। जॉइंट लॉजिस्टिक नोड का संचालन मुंबई में किया है और ये दोस्तों तीसरा है। इससे पहले एक गुवाहाटी में बनाया गया, दूसरा आपके पोर्ट ब्लेयर के अंदर बनाया गया, समझ गए। तीसरा वाला दोस्तों आपके मुंबई में ओपन किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर आपको अनअकैडमी पे या फिर अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है इंडिया के अंदर, चाहे आप कोई 8th क्लास में हो, 9th में हो, IIT के अंदर हो, नीट के अंदर हो, आपको गेट का एग्जाम देना हो, कोई भी अगर आपको इंडिया में एग्जाम देना है, तो आप अनअकैडमी प्लस जो ले सकते हैं, वहां पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर सारे क्लासेस पढ़ाते हैं। आपको वहां पर रेफरल कोड पूछा जाता है प्लस लेते वक्त, तो आप वहां पे BHU10 या फिर बुनेस्टन डाल के 10% ऑफ है जो कि मिल सकता है आपको। आप SSC, UPSC, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त आप इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आपको फाउंडेशन बैच में SSC में आप पढ़ सकते हैं, फाउंडेशन बैच में जहां पे कंप्लीट GK है जो कि मैं आपको करवाता हूं। मेरे अलावा आपको यहां पे मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के भी सारे एजुकेटर मिल जाएंगे। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 मंथ का आपको फ्री मिलता है। रेफरल कोड आपको मालूम ही है, ठीक है। और आज है फ्राइडे, तो आज सुबह भी 10 बजे अपनी स्पेशल क्लास है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जल्दी बताइए, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का जज किसको अपॉइंट किया गया है? ये क्वेश्चन अभी आपके CHSL के अंदर आया था, अभी आपका जो मार्च में एग्जाम हुआ है ना, ठीक है, मार्च में क्या अप्रैल में हुआ है अभी आपका CHSL का, उसके अंदर हिमा कोहली पूछा था। क्यों? क्योंकि ये पहली महिला थी जो कि तेलंगाना के हाईकोर्ट की जज बनी थी। प्रेजेंट के अंदर यही है, चीफ जस्टिस है, समझ गए। तो हिमा कोहली आपसे पेपर में पूछा था और अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिमला सिंह कपूर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों क्या किया है, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत अपॉइंटमेंट किया है बिमला सिंह कपूर का एज ए जज ऑफ द छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। ठीक है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, पहले एडिशनल जज है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की, ये सर्व कर चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें, अनुसुईया जी यहाँ पे गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ पे भूपेश जी है जो कि चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल यहाँ पे दोस्तों आप सभी को मालूम है रायपुर है जो कि कैपिटल है। ठीक है गाइज, तो इस तरह का जो कोई स्पेशल सवाल होते ना वो आपसे पेपर में पूछ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हिमा कोहली वाला पूछ लिया क्योंकि ये पहली जज बनी थी तेलंगाना हाईकोर्ट की जो कि महिला थी, चीफ जस्टिस नहीं थी, जज है, है ना, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो एक्चुअली के अंदर क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, तो अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे सोमनाथन जी को दोस्तों बनाया गया है, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IAS ऑफिसर है तमिलनाडु कैडर के 1987 के, ओके, सीनियर मोस्ट ऑफिसर है जो कि माने जाते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, काफी एक्सपीरियंस है। डिवीजन ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर दोस्तों इनको अपॉइंटमेंट किया गया है, TV सोमनाथन जी का। चलिए, आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था ऑनलाइन योग परीक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रही है, संस्था कहां पर स्थित है? मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, तो ये दोस्तों कहां पे बनाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपके दिल्ली, सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि दिल्ली के अंदर है ना, ये योगा के कल्चर को दोस्तों प्रमोट करने का काम आता है। योगा दोस्तों जब से योगा डे की शुरुआत हुई है ना, योगा पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। जितना इंडिया के अंदर मार्केट नहीं है ना योगा का, उससे बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो योगा को सिखा के ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा कंपनी बना रहे हैं वहां पे इस चीज को लेकर, है ना। तो योगा काफी अच्छी चीज है, मतलब अच्छी बात है अगर कंपनी बन रही है, अगर इसका प्रमोशन हो रहा है तो, अगर कोई योगा कर रहा है तो डेफिनेटली उसके हेल्थ को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इंडिया के अंदर भी काफी पॉपुलर है जो कि इंटरनेशनल योगा डे होने के बाद में 5 जून को बना है। ठीक है गाइस,
ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 उत्तरी सैन्य ठिकानों को अपग्रेड करने के लिए कितनी राशि खर्च करने की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों जो पैसिफिक ओशन के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो इसका नॉर्दर्न एरिया है ना, वहां पे क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 4 नॉर्दर्न मिलिट्री बेस को बढ़ाने के लिए। वैसे तो क्या 580 मिलियन डॉलर है, लेकिन अगर मैं और भी कुछ और टोटल की बात करूं तो 750 मिलियन डॉलर के आसपास खर्चा कर रहा है, जिसमें से 580 मिलियन डॉलर तो अपग्रेड करने के लिए ये खर्चा कर रहा है। इंडो पैसिफिक के अंदर दोस्तों ज्यादा ट्रेड को बनाना, ओके, ज्यादा सपोर्ट करना, उस चीज को लेकर कर रहा है। ठीक है, 2026 तक ये इसको फिनिश करेगा। स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है। कैनबेरा कैपिटल और करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने थाईलैंड के स्थायी सचिव थानी के साथ 23 वेदेसन भारत वरिष्ठ अधिकारी की बैठक की सह अध्यक्षता करी है? वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की सह अध्यक्षता करी है। 23rd एशियन इंडियन सीनियर ऑफिशियल मीटिंग विद द परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ द थाईलैंड थानी, किसने करी है मीटिंग? ये करी है हमारी रीवा गांगुली दास ने। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो हमारे सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रीवा गांगुली दास, उन्होंने दोस्तों 23वें एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग है जो कि यहां पे अटेंड करी है। ठीक है गाइस, ओके, यहां पे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्रयुत यहां पे प्राइम मिनिस्टर है। बैंक ऑफ कैपिटल है। थाई बाट है जो कि यहां पे करेंसी है। हमारा एक उनका ढाई के, उनका एक हमारे ढाई के बराबर है। ठीक है, करेंसी की बात कर रहा हूं। मोटर मार्गों पर धीमी गति से स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के विनियम की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? फर्स्ट कंट्री दोस्तों जिसने सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स होती है उनके रेगुलेशन के लिए यहां पे जो है रूल्स बनाए हैं, तो ये ऐसा करने वाला यूके दोस्तों पहला देश है जो कि बन गया है। समझ गए मेरी बात? स्लो स्पीड ऑन मोटरवेज। ठीक है गाइज, तो यूके ने जो है, यूके फर्स्ट कंट्री बन चुका है जिसने अनाउंस किया है सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल स्लो स्पीड को लेकर मोटरवेज के ऊपर। ओके गाइज, चलिए, आपको मालूम है आने वाले दिनों के अंदर दुनिया के जो डेवलप कंट्री है वहां पे सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए मतलब वहां पे ये सब चीजें स्टार्ट हो गई है। प्राइम मिनिस्टर मॉरिस जॉनसन है। लंदन यहाँ पे कैपिटल है। पाउंड यहाँ पे करेंसी है जो कि देखने को मिलती है। लक्ष्मण जो कोविड-19 के कारण निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष थे? लक्ष्मण गिलुआ, रिसेंटली कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। ये दोस्तों कौन से राज्य के फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट है जो कि हुआ करते थे? आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ये आपका सही आंसर होगा। तो झारखंड के दोस्तों ये प्रेसिडेंट है जो कि बीजेपी के हुआ करते थे। ठीक है गाइस, 13वें लोकसभा के मेंबर भी रहे, टॉप लीडर बीजेपी के झारखंड के अंदर रहे हैं ये। द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे गवर्नर है। हेमंत सोरेन जी सीएम है और यहाँ पे कैपिटल रांची है। कनाडा कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश का समर्थन करने के लिए भारत को कितनी राशि प्रदान करेगा? कनाडा दोस्तों भारत को जो है सपोर्ट दे रहा है। कितना सपोर्ट दे रहा है? 10 मिलियन डॉलर का दोस्तों सपोर्ट है जो कि कनाडा भारत को अवेलेबल करवा रहा है कोविड-19 से लड़ाई को लेकर। आपको मालूम है अभी एडीबी से भी हमने 1.5 बिलियन डॉलर है जो कि लिया है। कनाडा की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो यहां पे प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल ओटावा, करेंसी यहां पे डॉलर है। ठीक है गाइस, जयशंकर जी के साथ में इनकी बातचीत है जो कि हुई है। कैनेडियन रेड क्रॉस जो है वो इंडियन रेड क्रॉस को दोस्तों ये हेल्प है जो कि अवेलेबल करवाएगी, जिसके द्वारा एम्बुलेंस सर्विस और ये सब चीजें हैं जो कि मिलेगी। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी सबसे आगे है? टाइम मैगजीन की जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज के बारे में मैं बात करूं तो यहां पे दोस्तों जियो और बायजू ये दो है दोस्तों जो कि यहां पे पहुंच चुकी है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में। तो डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, जियो ने भी आपको मालूम है सब कुछ बदल दिया है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बायजू ने भी बदल दिया है काफी चीजें एजुकेशन को, ऑनलाइन को, है ना। तो मुकेश अंबानी है, 2007 में स्टार्ट किया, मुंबई में हेडक्वार्टर है, बायजू बेंगलुरु में 2011 में। ओके, बायजू और उनकी वाइफ है दिव्या, दोनों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। रविचंद्रन बायजू, निम्नलिखित में से कौन 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 ये पाने वाली दोस्तों जो कृति कारत करके है, ये दोस्तों यहां पे पहली भारतीय महिला है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है वाइल्ड लाइफ स्टडीज बेंगलुरु के अंदर, और पहली इंडियन और एशियन वुमेन है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया है। समझ गए मेरी बात? जब आप इन्वायरमेंट के लिए काम करते हो, इकोसिस्टम के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हो, तब आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जब आप एनिमल का, ह्यूमन का, प्लांट का, तीनों का, एक इकोसिस्टम का ध्यान रखो, तब आपको ये अवार्ड दिया जाता है। सरकार ने भारतीय वित्तीय निगम को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कितनी राशि का उल्लंघन किया है?
गवर्नमेंट ने दोस्तों कितना पैसा है जो कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर इन्फ्यूज किया है। तो यहां पे दोस्तों जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में इंडिया के द्वारा जो दिया गया है वो 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें 1948 में स्टार्ट हुई है। इमांडी जी है जो कि अभी इसके सीईओ है जो कि बने हुए हैं। ओके चलिए, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको घर बैठे किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, किसी एग्जाम को क्लियर करना है, तो आप अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं। अनअकैडमी आप डाउनलोड करके प्लस के ऊपर आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर सारे एग्जाम के जो है वो पढ़ाते हुए मिलेंगे। ओके, और अगर आपको वहां पे रेफरल कोड लगाना हो तो आप BHU10 या फिर भुवनेश्वर लगा सकते हैं, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो गेट हो, IIT हो, UGC हो, UPSC हो, बैंक, SSC, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है गाइज, चलिए, मेरा जो कोर्स है वो SSC कैटेगरी में चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। BHU10 यूज करके कंप्लीट GK है जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। चलिए, स्टैटिक GK की क्लास 10 बजे है अनअकैडमी के स्पेशल सेशन पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है, द ट्रेड मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जापान एंड डैश हैव फॉर्मली लॉन्च द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जापान और इंडिया के द्वारा, अलावा ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 8 बजे वाली क्लास में मिलेंगे और वापस से दोस्तों जबरदस्त तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।